सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगा करके बढ़ता जा रहा है। हर रोज कुछ नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ पुराने लोगों को भी घर वापसी का दौरा लगाकर लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजू श्रीवास्तव का भारतीय जनता पार्टी में दोबारा वापसी कर स्वागत किया गया। वहीं पर पुराने भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके विजय पांडे और अशोक तिवारी ने अपने सैकड़ों समर्थन के साथ दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी तो है ही, सिद्धार्थनगर जनपद में भी दिनों दिन ये और मजबूत होती जा रही है। पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी की घर वापसी के साथ साथ अन्य दलों को छोड़ करके हर रोज सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की आस्था का परिणाम है। उन्होंने कहा कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आने का ये कार्यक्रम अनावृत जारी है और जारी रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी में राजू श्रीवास्तव जी, जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे, विधानसभा के चुनाव में शिवसेना से चुनाव लड़ चुके थे, आज उन्होंने शिवसेना को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मुख्यालय पर ज्वाइन करने के बाद अपने जनपद के इस जिला कार्यालय पहुँचे, उनका स्वागत था। आज ज्वाइनिंग करने वालों में जो नगर निकाय के चुनाव में आदरणीय विजय पांडे जी थे, उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उन्होंने पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उनको वापसी करा दिया है। आज उनकी ज्वाइनिंग हुई है। ऐसे अशोक त्रिपाठी जी का भी ज्वाइनिंग हुआ है, उनका भी स्वागत था। आज तीनों लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, स्वागत है, अभिनंदन है। इनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी साथ में आए हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग हुई है, उनका भी स्वागत किया गया, अभिनंदन किया है। अपने जन्म के सभी मुझे तो लग रहा है कि इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के अपने इस जनपद के अंदर हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा जनपद इस बार भाजपामय हो गया है। जो अन्य दलों में काम करने नेता थे, वो सभी लोग हमारे संपर्क में रहे और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। जो अपने परिवार से बिछड़ करके कहीं अलग हो गए थे, ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के पूरे जनपद को भाजपामय करने के लिए आतुर हैं और आ रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि हम सभी के एक होकर के अपने जनपद के विकास में एक आहुति दें और जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो सकता है। हमको लग रहा है कि लगातार लोगों के आने से हमारी पार्टी की बहुत मजबूती मिल चुकी है, हमारी पार्टी बहुत आगे जा चुकी है और हमारे इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि